नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में सिल्क व्यवसायी की हत्या के बाद खौफ का माहौल, लोग कानून व्यवस्था पर उठा रहे हैं सवाल। पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर एनआर कटाने की प्रक्रिया हुई तेज, कई लोगों ने कराया नामांकन, दिन भर रही गहमागहमी। एडीएम और सिविल सर्जन ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण, खामियां देख लगाई फटकार, सुधार के दिए निर्देश। बेगूसराय गोलीकांड मामले में घायलों से मिले पूर्व उप मुख्यमंत्री, कहा सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को दे रहे हैं संरक्षण। और बिहार में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में एक बार फिर से अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए सिल्क कारोबारी की हत्या गोली मारकर कर दी। एक और जहां एसएसपी बाबूराम क्राइम को लेकर सख्ती बरतने का दावा करते हैं और इसको लेकर एसएसपी ने सभी थानाध्यक्ष को दिशा निर्देश भी जारी किया था, वहीं बेखौफ अपराधियों ने भागलपुर सिल्क सिटी के नाथनगर के बी लाल रोड स्थित स्वर्णकार दुर्गा स्थान के पास सिल्क कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद अफजाल को देर शाम गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोमिन टोला निवासी हाजी इमरान के पुत्र सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल बुधवार के शाम अपने दुकान पर बैठे हुए थे, तभी वो किसी काम से दुकान के बाहर निकले, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और गोली लगने से व्यवसायी की मौत हो गई। वहीं मोहम्मद अफजाल को गोली लगते ही दुकान में काम कर रहे उसके भाई बाहर निकले तो देखा कि अफजाल जमीन पर गिरे पड़े थे। इसके बाद आनंद फानन में परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए जेएलएनएमसीएच माइगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वयं प्रभात, सिटी एसपी शुभम आर्य, नाथनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन, ललमटिया प्रभारी मिथिलेश कुमार, ततारपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार, मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी महेश कुमार और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद अफजाल को 4 गोलियां लगी और पुलिस को घटनास्थल से 9 खोखा भी बरामद हुआ है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई। इधर इस तरह की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है, जबकि सरकार और पुलिस प्रशासन अपराध मुक्त समाज बनाने का दावा करते रहती है। वहीं इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि पुलिस जल्द ही सिल्क व्यवसायी की हत्या मामले का खुलासा करेगी और अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी अभी एक व्यवसायी की यहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई है नाथनगर में। इस पे यहाँ जो खाली खोखा है काफ़ी संख्या में मिला है और लगता है 4 गोली लगी है, तो हॉस्पिटल में ले जाते क्रम में उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग थे वो हत्या करने के इरादे से ही आए थे, तो अभी जांच की जा रही है, जल्दी ही इसका उद्भेदन करके अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी होने के बाद से सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में पहले चरण के चुनाव को लेकर एनआर कटाने और नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए 19 सितंबर तक नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा, जिसके लिए भागलपुर सदर एसडीओ कार्यालय परिसर समेत जिले के अन्य जगहों पर बनाए गए नामांकन केंद्र पर संभावित प्रत्याशी एनआर कटाने आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के लिए बुधवार को जहां 18 लोगों ने एनआर कटाया, वहीं गुरुवार को भी कुल 18 लोगों ने एनआर कटाया। इसके अलावा अकबरनगर नगर पंचायत से बुधवार को 20 और गुरुवार को 14 लोगों ने एनआर कटाया। इसके अलावा अकबरनगर नगर पंचायत से अब तक मुख्य पार्षद के लिए किरण देवी ने बुधवार को मुख्य पार्षद पद के लिए और शंभू कुमार ने वार्ड पार्षद पद के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल किया, जबकि गुरुवार को अकबरनगर के अलग अलग वार्ड से वार्ड पार्षद पद के लिए राजीव रंजन और सूरज कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं पहले चरण के नगर निकाय चुनाव नामांकन के लिए अब महज 4 दिन शेष रह गया है, जिसको लेकर नामांकन के लिए भीड़ और तेज होगी, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर से पुख्ता तैयारी की जा रही है। हालांकि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों का कार्यालय आने का सिलसिला जारी है और भागलपुर नगर निगम समेत कई नगर परिषद और नगर पंचायत में 16 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
भागलपुर के अपर समाहर्ता शिव कुमार श्रैप और सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा गुरुवार को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एडीएम ने अस्पताल में कई तरह की सुविधाओं की समीक्षा के बाद कहा कि अस्पताल में साफ सफाई, रोगी की देखभाल और इलाज के कई बिंदुओं पर सीएस के साथ समीक्षात्मक बैठक की जाएगी, जिसके बाद जरूरी कदम उठाया जाएगा। एडीएम ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई, मरीजों को भर्ती करने एवं इलाज के लिए समुचित व्यवस्था मुहैया कराने के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। अपर समाहर्ता ने कहा कि नवगछिया एक सुदूर इलाका है और यहाँ बड़ी आबादी निवास करती है, इसलिए यहाँ सदर अस्पताल की तरह इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने कहा कि यह अल्ट्रासाउंड की कमी जरूर है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट की भी जरूरत होगी। इसके अलावा एडीएम ने दवाई के लिए आए मरीजों को 2 बजे तक पर्ची दिए जाने और उसी समय ओपीडी बंद होने पर कहा कि जिस मरीज को दवाई के लिए पर्ची मिल गई हो उसे हर हाल में उसी दिन दवाई उपलब्ध कराना होगा, इसलिए ओपीडी बंद करने का समय बढ़ाना अनिवार्य है। जबकि स्टाफ की कमी को भी जल्द दूर करने की बात करते हुए एडीएम ने कई और बिंदुओं पर अस्पताल प्रबंधन को दिशा निर्देश दिया। मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर व्रजभूषण मंडल, लेखापाल अमित कुमार समेत कई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। नहीं तो इसका जरूर प्रबंध रखे कि जो भी मरीज का पुर्जा मिल गया उसको दवा उस दिन मिलना है, चाहे 10-20 मिनट आधा घंटा का आगे के लिए समय मिले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टाफ की कब तक यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी? कहें हम लोग सिविल सर्जन साहब कहे हैं वो कर देंगे, बोले हैं। हालांकि जो कमी वहाँ भी है सदर से ही भेजेंगे, कहीं नया तो लाएंगे नहीं, स्टेट से तुरंत तो मिलता नहीं है, तो वहाँ का कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि इसको करिए, तो उन्होंने कहा है कि हम कुछ लैब टेक्नीशियन भी, एक ओटी असिस्टेंट को भी, इन सबको भी हम लोग यहाँ देंगे। सीजेरियन शुरू हो गया लेकिन ब्लड बैंक उसी तरह धूल पा। हाँ, ब्लड बैंक का थोड़ा कठिनाई है, इसको वो कुछ टेक्निकल चीज़ है, उसको एक दिन में हाँ दिक्कत आती है, इमरजेंसी में ब्लड चाहिए तो वो थोड़ा टेक्निकल है, उसको एक दिन में नहीं होगा कि एक आदमी को बैठा दिया जाएगा और उसको कर दिया जाएगा। ब्लड बैंक के लिए जितने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, वो चाहे उसका ठंडा रखना से लेकर के बाकी सब चीज़ें, उस सब का फिर स्टेट से अप्रूवल होता है, और स्टेट के अप्रूवल के बाद पूरी चीजों की व्यवस्थित नहीं होगी तो। बेगूसराय में हुई फायरिंग की घटना को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। इस दौरान बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले 75 साल में कभी भी बिहार में ऐसी घटना नहीं घटी थी जिसमें बाइक सवार बदमाश 30 किलोमीटर तक खुलेआम इतने लोगों पर फायरिंग की हो। उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्य की बात है कि सीएम नीतीश कुमार इस घटना को जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशील मोदी ने कहा कि इस घटना में हर वर्ग के लोग शामिल हैं और इनिश किनारे रह रहे गरीब लोगों और आने जाने वालों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर जब से गठबंधन की सरकार बनाई है तब से अपराधियों का मनोबल और आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, जबकि नीतीश मंत्रिमंडल के आधा दर्जन मंत्री दागी हैं, जिसमें से कार्तिकेय कुमार अभी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सुशासन का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा सुशील मोदी ने सरकार से अविलंब बदमाशों की गिरफ्तारी करने की मांग की। पिछले 75 साल में संभवतः ये बिहार की पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी इस प्रकार से अंधाधुंध गोली चलाते हुए और 10 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो इस तरह की घटना देश में भी कहीं घटित हुई होगी मुझे पता नहीं, अमेरिका वगैरह में जरूर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस घटना ने पूरे बिहार के लोगों को हिला दिया है, लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। पल ही जब गठबंधन की सरकार बनी बिहार में तभी से लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से पुराना दौर लौट कर ना आ जाए, और एक पर एक लगातार घटनाएं होती चली गई और इस घटना ने सारे लोगों को हिला दिया है। जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं तो लोग इतने भयभीत और इतने दहशत में हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बाकी 9 लोग घायल हैं। लेकिन इस पूरी घटना पर आज जो मुख्यमंत्री का बयान आया है
वो अत्यंत आपत्तिजनक है। बिहार के सुपौल में एक पार्फिट तमंचे पर डिस्को करते वीडियो वायरल हुआ है। अश्लील गीत पर डांस करती महिला कलाकार दोनों हाथ में अवैध पिस्टल लहराते हुए अश्लील गाने पर डांस करती दिख रही है और इस दौरान एक शख्स स्टेज पर ही फायरिंग करता दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। दरअसल सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना के औरलहा वार्ड 5 में 11 सितंबर की रात एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान इस तरह से फायरिंग का वीडियो सामने आया, जिसमें अश्लील भोजपुरी गाने पर पिस्टल लहरा कर डांस करते हुए बार बाला और वहां मौजूद लोग भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सिल्क टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस तरह से रियल लाइफ में बार डांसर और युवक द्वारा तमंचे पर डिस्को एवं फायरिंग कर जहाँ कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं ऐसी हरकतों से समाज में गलत संदेश जाता है। हालांकि इस मामले में पुलिस भी थाना सीमा विवाद की बात और एक दूसरे थाना क्षेत्र की घटना बताकर कार्रवाई करने से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। कांत कुमार, मध्य विद्यालय मंगा जिले प्रखंड शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सचिव गोगरी पद पर हूँ। मैं 2013 से डायबिटीज से परेशान था, अंग्रेजी दवाई खाया लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वर्षों से मैं इसकी तलाश में था कि कैसे मेरा डायबिटीज समाप्त होगा। इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया, बहुत से अंग्रेजी दवाई खाई, इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जिसको डायबिटीज हुआ है उसको छूटा ही नहीं है, ऐसा पैथोलॉजी में कहा गया। मैं इसके विषय में चिंतित था। इसी बीच 2021 में मेरे मित्र नरेंद्र जी से भेंट हुई, उसने बोला कि एक आयुर्वेद में ऐसी दवा है जो कभी फिर लौट के ज़िंदगी में नहीं आता। उसके विश्वास पर मैंने आयुर्वेद का दवाई खाया। दवाई खाने के क्रम में मेरा ट्रीटमेंट अच्छा रहा। डॉक्टर AK राय के अनुसार उसके सभी खान पान को पालन करते हुए मैंने दवाई मई 2021 में स्टार्ट किया। पहले तो मेरा डायबिटीज बढ़ा, उससे चिंतित था, लेकिन पुनः मेरा डायबिटीज घटना शुरू हो गया। खान पान को नियंत्रण रखते हुए मेरा डायबिटीज कमता चला गया, तो मुझे विश्वास हुआ कि डायबिटीज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद खान पान में जैसा आश्वासन दिया वैसा मैं प्रयास किया और खाया सही सलामत। उसके साथ साथ समय समय पर इसने हमारे साथ चेक के दौरान मीठा सेवन करने का, आलू, रसगुल्ला, अन्य बुनिया मीठा सामान खाने का बोला और मैंने किया, लेकिन डायबिटीज उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, घटता ही चला गया। मुझे विश्वास तब हुआ कि डायबिटीज छूट जाए, लेकिन कुछ लोगों इस पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के सामने मैंने खाया रसगुल्ला, पेड़ा, जो भी मीठा का सामान था सब खाया और डायबिटीज चेक कराया, डायबिटीज घट के 110 हो गया, तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया कि डायबिटीज अब नहीं हो। लगातार अगस्त 2021 तक मैं दवा खाई और दवाई से संतुष्ट होकर मुझे डायबिटीज 110 पड़ा और संतुष्ट हो गए कि डायबिटीज छूट जाता है, या इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे मैं सभी डायबिटीज पेशेंट को ही सलाह दूंगी, आयुर्वेद में डॉक्टर AK राय द्वारा किया गया ट्रीटमेंट बिल्कुल सत्य, कोई झूठा नहीं है, किसी तरह के इसमें छल कपटी नहीं है। अच्छी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है जो ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आए। एक महीना कोई दवाई नहीं खाने के बाद सभी चीज़ खान पान मीठा का सेवन करते हुए मेरा डायबिटीज 110 है, मैं संतुष्ट हूँ, किसी तरह की परेशानी मुझे नहीं है, शरीर में फुर्ती है, वेट भी सही है, इसलिए डायबिटीज मेरा सही है और मैं इस दवा से संतुष्ट हूँ। आगे डायबिटीज पेशेंट को सलाह देता हूँ कि डॉक्टर AK राय के द्वारा जो भी दवा चलाई जा रही है वह एकदम सही है, किसी तरह की इसमें छल कपटी नहीं है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। एक महीना कोई दवाई नहीं खाने के बाद सभी चीज़ खान पान मीठा का सेवन करते हुए मेरा डायबिटीज 110 है, मैं संतुष्ट हूँ, किसी तरह की परेशानी मुझे नहीं है, शरीर में फुर्ती है,
वेट भी सही है, इसलिए डायबिटीज मेरा सही है। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, घर गोछारी, जिला खगड़िया। मैं किसान हूँ, डायबिटीज पेशेंट एक साल पहले से था। अंग्रेजी दवाई खा रहे थे बेगूसराय से, 200 और 300 फास्टिंग, 200 और पीपी 300 था। तो बोला जी हमको बताए, मेरा का था वो कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भागलपुर में, ये कह रहा है वहाँ से दवाई खाइए, आप ठीक हो जाइएगा, एकदम डायबिटीज संतुष्ट हो जाइएगा, बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ भागलपुर से स्टार्ट किए दवाई खाने के लिए। जब से दवाई खाएं, खान पान को नियंत्रण रखते हुए जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे खाएं, उस दिन से तो डायबिटीज कमते ही चला गया। और एक महीना से दवाई हम नहीं खाएं, कोई भी दवाई नहीं खाने के बावजूद भी, सब चावल दाल आलू सब्जी खाते हुए भी अभी डायबिटीज मेरा 125 है। अब मैं इस डॉक्टर से संतुष्ट हूँ, और जो डायबिटीज पेशेंट हैं संपर्क कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने बिहार में गिरती कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संवेदनहीन बताया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बेगूसराय में आम लोगों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उपहास कर इस घटना को जाति विशेष के खिलाफ हुई घटना बताने में लगे हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार में लालू यादव जंगल राज चलवा रहे हैं, और भागलपुर में भी अल्पसंख्यक समुदाय के एक सिल्क कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इस तरह की घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा कि अपराधियों ने सिल्क व्यवसायी को कई गोलियां मारी है, जिससे वो छलनी हो गए और उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है जिस प्रकार से लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है, संपूर्ण बिहार आज त्राहिमाम कर रहा है, त्रस्त है लोग, और राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार से, मतलब मैं समझ नहीं सकता हूँ। कल आपने देखा कि पत्रकारों से बात कर रहे थे हंसते हुए और ठाका देते हुए, और उसको नॉन सीरियस, ये अपनी गलती को छिपाने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जाति और धर्म की बात कह दी कि वो टोला 30 किलोमीटर तक एक जाति और एक धर्म का था। दुर्भाग्य है इस बिहार का, जो चाहते हैं कि ये जनता के सामने जनता को गुमराह करके और अपना दोष अपनी गलती को छिपा करके और जनता को मरने का प्रयास कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर गुरुवार को भागलपुर दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले 2 वर्षों तक कोरोना महामारी के कारण पूजा समारोह का भव्य आयोजन और शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, लेकिन इस वर्ष जिला प्रशासन और महासमिति की बैठक में पूजा समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया जा चुका है, और अब पहले की तरह ही भव्य रूप से पूजा समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही कहा कि इस बार 26 सितंबर से दुर्गा पूजा शुरू होगी, और इसको लेकर पूजा समिति एवं प्रशासनिक निर्देश के अनुसार तैयारी की जा रही है। इसके अलावा समिति की ओर से पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने की बात कहते हुए कोरोना महामारी के दौरान दिवंगत हो चुके सदस्यों और आम लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दुर्गा पूजा महासमिति जो समितियों से बनकर महासमिति का जिसका निर्माण हुआ है, इसे तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुख्य रूप से इस बार दुर्गा पूजा महासमिति, आपको पता होगा कि पिछले 2 वर्ष कोरोना को लेकर के लोगों ने पूजा किया, आराधना किया, प्रतिमा का निर्माण भी किया, विसर्जन भी हुआ, लेकिन हम लोग पूरा उल्लास के पूर्वक वह पूजा नहीं हो पाया। माता रानी की कृपा से इस वर्ष हम लोगों को मौका मिला है कि हम लोग 100 परिवार, पूरे समाज के लोग, पूरे शहर के लोग मिलजुल कर इस बार दुर्गा पूजा, आराधना, स्थापना और विसर्जन एक साथ हम लोग मिलजुल कर करेंगे। बांका के रसौन थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़घड़ी लकड़ा पंचायत झिकटा गांव वहियार में एक किशोर का शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शव की पहचान झिकटा गांव निवासी भोपाल यादव के 16 वर्षीय पुत्र दीनबंधु के रूप में हुई है, जबकि घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में बुधवार को रसौन थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि भोपाल यादव का पुत्र दीनबंधु और अर्जुन यादव का पुत्र
रोहित कुमार मंगलवार की शाम अपने खेत पर बोरिंग और मशीन देखने के लिए गया था, जहां से लौटने में उसे देर शाम होने के कारण रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो गया था। वह मृतक के परिजनों ने गांव के ही शंभू यादव और उसके पुत्र गौतम यादव, नारायण कापरी के पुत्र बबलू कापरी और लक्ष्मण यादव के पुत्र सुरेश यादव पर दीनबंधु एवं रोहित कुमार का बीते मंगलवार को हथियार के बल पर अपहरण कर लेने का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने बताया कि रोहित कुमार किसी तरह से बुधवार की सुबह अपहर्ताओं के चंगुल से फरार हो गया, जबकि इसके बाद झिकटा वहियार से दीनबंधु का शव बरामद हुआ। वहीं इसको लेकर पुलिस का कहना है कि शव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी धारदार हथियार से दीनबंधु की गला काट कर हत्या कर दी गई है, जबकि फिलहाल पुलिस घटनास्थल और गाँव में लगातार कैंप कर घटना की छानबीन कर रही है। 7 बजे मेंटेन चले हमरा घर वाला दोनों खेत बुले निनन डांड छे पूरा बट डांडी उना अइले महिन तक जे दोनों पकड़ लके के पकड़ लके एकरो पता एकरो पता महिन में छोड़वा लिखले ही। अच्छा अच्छा ओकरा बात की होले ओकरो बात तो तू गबे जे हमरा नि रात भरी खोजलिए नहीं मिलले। अच्छा कखनी पता चलले? 3 बजे हम वहाँ जाए छाई एक तो मिल ले टाइम मिलने माँ काफरिये जी तो लम से। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में सिल्क व्यवसायी की हत्या के बाद खौफ का माहौल, लोग कानून व्यवस्था पर उठा रहे हैं सवाल। पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर एनआर कटाने की प्रक्रिया हुई तेज, कई लोगों ने कराया नामांकन, दिन भर रही गहमागहमी। एडीएम और सिविल सर्जन ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण, खामियां देख लगाई फटकार, सुधार के दिए निर्देश। बेगूसराय गोलीकांड मामले में घायलों से मिले पूर्व उपमुख्यमंत्री, कहा सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को दे रहे हैं संरक्षण। और बिहार में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।